मंगलाम नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासी रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वास्थ्यस्तिनेश्वर सीताराम गुरुग्राम पुराण्यो विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपेश्वर वंदे गुरु संकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्ष्मे चंद्र सर्वतः वंदते। माँ के आंगन में ये कथा है और कहते हैं कि जिस बालक ने माँ को मना लिया फिर किसी देव को मनाने की आवश्यकता नहीं बचती। तो माँ के लिए दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहेंगे नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकटे भद्राय न्यता प्रणता स्मता। नव देवियों को प्रणाम करते हुए दसों महाविद्याओं को प्रणाम है। जो दसों महाविद्याओं का नाम लेता है, स्मरण करता है, उसको प्रत्येक कर्म में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब माता के नाम के साथ साथ अगर हम दसों विद्याओं का, महाविद्याओं का नाम उच्चारण करें तो सच में, यथार्थ में, इस कलिकाल में इस जीवन को जीने की कला बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो आओ एक बार उन दसों महाविद्याओं को नमो नमन करते हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगुला सिद्ध विद्याचा मातांगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। बोल सच्चे दरबार की सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शुभ गणेश हुआ अर्थात शुभ समय हो गया श्री गणेश जी का नाम लेते हुए कथा की ओर चले। यदि मैं राम कथा को वाच रही होती तो रामायण में, रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं, किरदार हैं, उन सभी को तुलसीदास जी ने बारंबार प्रणाम किया है। उन पात्रों में जो विशेषता है उसे तो प्रकट की है, साथ में ईर्ष्यालु, द्वेष करने वाले और चोरी करने वालों की भी उन्होंने बहुत अच्छी वंदना करी है। उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं है तुलसीदास जी को। तो यदि मैं राम कथा का परिपालन कर रही होती तो उन सबको प्रणाम करती, लेकिन भक्त की कथा वाच रही हूँ तो भक्त तुलसीदास को यदि मैं प्रणाम कर लेती हूँ तो उनकी रामचरितमानस में उपस्थित सभी किरदारों को मेरा स्वतः ही प्रणाम हो जाता है। और जो मैं श्रीमद् भागवत का वाचन कर रही होती तो सच मानिए श्री वेदव्यास जी ने सत्य के अंतर्गत ही सभी की प्रार्थना की है कि सत्य में सभी समाहित है, सभी निहित है सत्य में। तो महर्षि वेदव्यास जी को, भक्त को मैं प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि मैं भक्तमाल की कथा को ही वाचने जा रही हूँ। तो वेदव्यास जी को वाचते ही, उनको नमस्कार करते ही चारों वेदों को और 18 पुराणों को स्वतः ही प्रणाम हो जाता है। अतः ऐसे वेदव्यास जी को भी बार बार प्रणाम है। भक्तमाल की कथा को यदि मैं प्रारंभ करूं तो उसको लिखने वाले गोस्वामी नाभा जी को मैं प्रणाम करूं तो सभी भक्तों को प्रणाम हो जाता है। 33 कोटि और देवी देवता जिनको कि प्रसन्न करने के लिए हमें न जाने कितने यज्ञ और यजन करने होते हैं, लेकिन यदि उनको कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बांधा जाए, भक्ति से बांधा जाए, तो किसी और प्रकार के यजन की आवश्यकता ही नहीं, वरन सत्संग रूपी कथा रूपा ये सत्संग ही उनके लिए नमस्कार सिद्ध होता है। अतः सभी देवों को, इस व्यासपीठ को वंदन करते हुए, बार बार कोटि कोटि इसकी प्रार्थना करते हुए मैं आप सभी को बड़े भाव से वंदन करती हूँ। आप सभी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे अपने दोनों हाथों को उठा करके एक बार सच्चे हृदय से कहें, बोल नरसी मेहता की जय, राधा रानी की जय, कैला मैया की जय। तो आइए, कहते हैं कलिकाल में जो किसी हर प्रकार के बंधन से हमें छुड़ा सकता है तो वो है कीर्तन। तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण कीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का साज है ये दोनों हाथ, तो इन दोनों हाथों को बजाते हुए सर्वप्रथम कृष्ण कीर्तन और फिर उसी कृष्ण की कृपा उस भक्त के ऊपर कैसे बहती है। कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल। मेरो जशोदा को लाल, मेरो जशोदा को लाल, राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल। जो कलाल मेरो, नंद जो कलाल मेरो, राधा वल्लभ लाल मेरो, राधा वल्लभ लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे नरसी मेहता नाम कहने में तो कितना सरल लगता है नरसी, पर नरसी जैसा चरित्र गढ़ना इस कलिकाल में बहुत कठिन है, क्योंकि यह कैसे भक्त की कथा है जो भगवान की निष्काम भक्ति करता है। अब आप कहोगे कि भक्त है और निष्काम है तो नानी बाई का मायरा कैसे आया? तो नरसी का चरित्र ही कुछ ऐसा है कि जो भगवान से कुछ मांगता नहीं वरन भगवान की निष्काम सेवा करता है। पर ये मायरा कैसे आया और कहां से आया, ये भगवत की कैसी कृपा हुई, क्योंकि कहते हैं कि भगवान की भगवत्ता को भी प्रकट करने के लिए भक्त का होना परमावश्यक है। जैसे कि एक बहुत बड़ा सेठ हो, उस पे धन माल संपदा हो, एक बहुत बड़ा सेठ हो, उस पे धन माल संपदा हो, लेकिन उसको उपभोग करने वाला ना हो, उसको कोई लेने वाला ना हो, तो उसका धन माल संपदा सब व्यर्थ है। ऐसे ही मेरे भगवत, मेरे भगवान भी कोटि कोटि कृपा वाले हैं, पर उनकी कृपा को पाने के लिए, उस भगवत प्रसाद को ग्रहण करने के लिए एक नरसी जैसा ग्राही भक्त ही चाहिए। तो हमारे नरसी जी मायरा मांग रहे हैं या ठाकुर जी उन्हें खुद मायरा दे रहे हैं। जैसे जैसे हम इस कथा में प्रवेश करते जाएंगे वैसे वैसे इस भक्त का चरित्र विस्तार लेता जाएगा। और कहते हैं कि भगवान की कथा होती है। जब भगवान की कथा होती है तो श्रोता भक्त होता है। भगवान का, उसके चरित्र का व्याख्यान किया जाए तो स्वतः भक्त को सुनना होता है, वो सामने होता है। लेकिन जब भक्त की कथा होती है तो भक्त की कथा को सुनने के लिए स्वयं भगवान बैठते हैं। बोलो राधा रानी की। तो बस आज मेरे भगवान हो आप, और उस नरसी भक्त के चरित्र का व्याख्यान करने के लिए दासों की भी दासी मैं आपको इस कथा को सुना रही हूं। नरसी भक्त, जिसके के बाल्यकाल में ही माता और पिता का देहांत हो जाता है, जिस भक्त के बाल्यकाल में माता और पिता का देहांत हो जाए, उसको पालती है उसकी दादी। नरसी मेहता के कृष्ण दामोदर पिता हैं और माता का नाम है लक्ष्मी गौरी। दादी जय कुंवरी, जो कि बड़े लालन पालन के साथ नरसी और उसके बड़े भाई, जो कि उम्र में नरसी से बहुत बड़े हैं, वंशीधर, उनका विवाह हो चुका है, जिनकी की पत्नी का नाम है दुरिता गौरी। नरसी भक्त 5 ही बरस के हैं, पर उनके शरीर के साथ एक परेशानी जुड़ी है, और वो क्या है? नरसियों ने बचपन से ही ना कानों से सुने हैं और ना मुख से बोल सके हैं। गूंगो भी है और बहरो भी है, ऐसो नरसी है। तो दादी बहुत परेशान रहे हुए है, हर पल यही सोच धरे है कि मेरो छोटो सो नरसी न जाने कैसे बोलवो सीखेगो, न जाने कैसे सुनेगो। मैं जब तक हूँ जब तक तो सब ठीक है, परंतु मेरे बाद मेरे नरसी को कहा होगा। बस यही विचार है दादी के मन सु। तो दादी नित्य प्रति अपने नरसी को जहाँ भी कथा होवे है, जहाँ भी सत्संग होवे है, वहाँ हर जगह अपने नरसी को ले के जावे है, कहवे है। वैसे भी छोटे बालक को संस्कारों से परिपूर्ण करना चाहिए। आज दादी भी ये जानती है कि मेरा बालक न बोल सके है न सुन सकता है, ऐसे बालक को भगवत कृपा ही अच्छा कर सकती है, और इस धरती पर कोई नहीं। बस यही विचार करती है और हर मंदिर और देवालय में उस नरसी भगत को ले लेकर जाती है। एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक छोटे बच्चे को यदि हम उपहार न दे, एक बालक को उपहार न दे, तो वो थोड़ी देर रोएगा और थोड़ी देर ही अपने माता पिता को परेशान करेगा। लेकिन यदि एक बालक को संस्कार न दिए जाए तो वो जिंदगी भर रोएगा और जिंदगी भर अपने माता पिता को रुलाएगा। अतः बालक को संस्कारवान बनाना चाहिए। बस इसी भाव से दादी मंदिरों अपने नरसी को ले लेकर जाती है कि एक दिवस शिवरात्रि के महापर्व पर दादी सोचती है कि अवेरे ही अवेरे जाकर के मैं मेरे नरसी उड़े लेकर के और जाऊं और भोले बाबा सु जल चढ़ाया। बस ऐसी ही भावना रखे है नरसी की दादी कि बस सवेरे ही लेकर के अपने नरसी को, और हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है जूनागढ़ में। ब्राह्मणों की इस बस्ती में नागर ब्राह्मण ये नरसी जी हाटकेश्वर महादेव बाबा के मंदिर में दादी के साथ जाते हैं। और सुबह ही जब दादी जाती है नरसी को लेकर के, तो इधर जैसे ही भगवान शिव शंकर को जल अर्पण करती है, जल अर्पण करते ही जब पाछे ही फिरे है तो देखे है एक बाबा जी बैठो है, और ये बाबा जी तो आज नयो ही लागे है। हमारे जूनागढ़ में आज तक जितने भी संत आए, जितने भी साधु आए, जितने भी महात्मा आए थे, सबने को मैंने प्रणाम करी है, दंडौत करी है, पर आज ये बाबा तो कुछ नयो ही लागे है। बस सोचे है ऐसे और पहुंच जावे है अपने लोटा थाली सब धर कर एक कोने में बाबा जी के पास। लेकिन बाबा जी तो ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं। ध्यानस्थ और समाधिस्थ। बाबा जी ध्यान में मग्न हैं, बड़े विचारशील है कि एक ध्यान में संत है और एक ध्यान में गृहस्थ है। जब गृहस्थ ध्यान में होता है तो माला के मनिये वो भी सरकाता है, और जैसे जैसे माला के मनिये सरकते हैं वैसे वैसे मन भी सरकता रहता है। ये गृहस्थ की माला फेरने का योग है। परंतु एक संत जिस भाव से माला फेरता है उस प्रत्येक मनिये में उस ईश्वर का साक्षात्कार करता है। बस इसी भाव से मनिया फेरते फेरते दादी तो कहे है, बाबा जी ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी, पर बाबा जी तो नहीं सुने हैं। बाबा जी तो और जोर की आंखें बंद कर ले हुए हैं। ये कौन आ गए हो बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। पर दादी तो सोचे है, बुढ़िया माई कहे है कि संत तो बड़ी सेवा में लगो है, लगे है सिद्ध संत है। फिर से कहे है, बाबा ओ महात्मा ओ संत, अरे ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी। अब बाबा जी सोचे हैं कि बाबा 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 करते करते मारो मंत्र तो छू मंत्र रह जाएगा और बाबा बाबा को ही मंत्र चालन लगेगा। बस ऐसा ही विचार करे है बाबा जी के में, ए डोकर माई कैसे बाबा बाबा करे है। बुढ़िया माई बड़ी थर थर कांपती वही बोले है कि बाबा बाबा मेरो पौत्र है नरसी, बाबा जी इतना बड़ा है कि वो मेरा पोतो और अभी तक न बोले है न कानों से सुने है। बाबा के भी है, अच्छा इतना बड़ा लाला तेरो और न सुनिश तो न बोलते हो। हाँ बाबा जी, न सुने हैं और न बोले हैं। बाबा के भी है, अच्छा। बस बाबा नरसी भगत को बड़े प्यार से गोदी में बिठावे हैं और उसके माथे पर हाथ फेर के कहे हैं, अरे ओ माई तेरे ओ बाबा, तेरे ओ बालक तो घड़ो रो भक्त लगे है ठाकुर को। डोकर माई कहवे है, बाबा जी ये भगती भगती कैसे करेगो, न बोले है न सुने है। बाबा कहवे है, ठहर जा डोकरी ठहर जा। बस वह बालक के कान में मंत्र फूके हैं, राधे राधे बोलो बालक, राधे राधे बालक, राधे राधे। बस इतने ही सुनी है कि नरसी भगत उठ के खड़े हैं जावे और काके में है, अरे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे जय घोष ही करते रह रहे हैं, राधे राधे करते करते दौड़े दौड़े नरसी भगत तो घर की ओर भागे हैं। अब दादी सोचे है कि बाबा जी तो बड़ो संत और सिद्ध निकलो, बाबा जी आपको दक्षिणा में मैं कहा दूं। बाबा जी कहे, ये डोकरी थारे इतने बड़े पोता को मैं कानन सुना सुने हो न बोले है, बोल में लगो और सुन में लगो। अब या की दक्षिणा तू कहाँ देगी? दादी तो बड़ी तेज और चतुर है, कहवे है बाबा जी आओ आप मारे घर आओ, मारो बड़ो बेटा तो बहुत बड़ो सेठ है, साहूकार है, मारे घर चलो, आप जो मांगो सो मैं दूं। पर संत को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस बाबा जी कहवे हैं जा डोकरी और अब अपने नरसी भगत की देखभाल में लग जाओ, बस इतनी ही कहवे है और दादी बड़ी खुशी खुशी अपने घर जावे है। इधर जब नरसी भगत अपने घर पहुंचते हैं तो भाभी दुरिता को देखकर कहते हैं राधे राधे। भाभी केवे है अरे ये गूंगो अब तक बोल तो ना हो, ये राधे राधे फिर से बोलियो, नरसी फिरता ही बोलियो राधे राधे। अरे एक राधे राधे, अरे भाभी ये राधे रानी का नाम है, अरे कैसो राधे रानी का नाम है, अरे कन्हैया के संग जो नित्य प्रति व्यवहार करे हैं यो न राधा रानी को नाम है। बस नरसी भगत तो अपने घर सो सबसे मिलकर के और वह समय भी गांव में पुरानी पुरानी रास की मंडलियां आती थी, बस यह रास को देख करके नरसी बड़ो प्रसन्न होवे है और जावे है रास लीला में नित्य प्रति। गांव में 15-15 दिना के काजे जो मंडली आवे हैं उन मंडलियन में जाकर के नरसी कभी कृष्ण बन जावे है तो कभी गोपी बन जावे है। और यही भाव सो नरसी भगत आज या मंडली में ठाकुर जी को रूप धर लेवे है और ठाकुर जी की लीला को यशगान करे है। जिस वक्त इस नरसी भगत की कथा का प्रसार और प्रचार हम कर रहे हैं उस वक्त भी भक्तमाल कहता है कि उस समय में भी रास लीलाएं होती थी और उस रास लीलाओं में नरसी भक्त जाते थे। तो आइए आज एक रास लीला जिसमें नरसी भक्त हैं उनके साथ ही हम प्रविष्ट हो जाएं। बोल कृष्ण गोपाल की जय। बोल ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रजरत्न वंदना श्रीजी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमय सुमिरन, श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण कथा एवं 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा करवाने हेतु संपर्क करें 8107777123 88811777123। वंदना श्रीजी से आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.vandanashri.com।